किसान भाइयों, आज आप सभी कृषक बंधुओं का हमारे इस फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक औषधि फसल की जानकारी देंगे, जिस फसल का नाम है चिया सीड। चिया सीड फसल की उन्नत खेती जो कि निम्नलिखित बिंदुओं पर दी जाएगी। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिन कृषक बंधुओं ने और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाने का भी कष्ट करें। बात करते हैं हमने सामान्य जानकारी। जो चिया सीड है वो एक प्रकार का तुलसी जैसा ही पौधा होता है। चिया सीड की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सभी राज्यों में की जाती है। इसकी खेती नीमच, मंदसौर, रतलाम में जो है बहुतायक रूप से की जाती है। अब मालवा अंचल में भी इसकी खेती का चलन काफी बढ़ निकला है क्योंकि इसकी मांग भी अच्छी है, बाजार मांग भी बहुत अच्छी है और इससे इसका औषधि जो है, इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि सुपर फूड के नाम से चिया सीड को जाना जाता है और ये खास करके जो हृदय के मरीज हैं उनके लिए ये काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसकी पौधे की जो ऊंचाई है वो 3 से 4 फुट होती है और औसतन उत्पादन इसका प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ होता है और हमारे किसान भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी इस फसल को अच्छी तरह करके अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। अच्छी जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए जरूरी है जिसमें जीवांश पदार्थ अच्छे प्रचुर मात्रा में हो और हल्की भुरभुरी और रेतीली मिट्टी इसके लिए काफी अच्छी मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। पीएच मान 6 से 8.5 का होना चाहिए। किस्में जो है सफेद चिया होती है, काली चिया भी होती है, भूरी चिया भी होती है। इसके लिए जो अवधि होती है वो 3 से 4 माह और बीज दर जो है वो 1 से 2 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति एकड़ इसका बीज दर माना जाता है। चिया सीड के लिए जलवायु एवं तापमान है वो शीतोष्ण व कम शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। पौध वृद्धि के लिए जो उचित तापमान है वो 16 से 25 डिग्री है। उसके बाद हम बात करते हैं बुआई का समय। इसकी जो बुआई की जाती है वो अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। चिया सीड के जो फिंगर्स हैं उसको कवकनाशी से उपचारित कर लेना चाहिए। खास करके कोशिश रहे कि जैविक फफूंदनाशकों का ज्यादातर उपयोग करें जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास 5 मिली प्रति किलोग्राम बीस या फिंगर्स को उपचारित कर लेना चाहिए। नहीं तो कार्बाक्सिन और थायरम जो है वो भी अंतरप्राही फफूंदनाशक के रूप में बहुत अच्छा परिणाम है। इसी प्रकार कीटनाशक के रूप में थायमेथेक्सिम जो है उसको 2 मिली प्रति किलोग्राम बीच फिंगर्स को उपचारित करना चाहिए और इसको जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसको हम एसेटोबैक्टर से भी उपचारित कर सकते हैं। बात करते हैं फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जब भी हम खरीफ फसल की कटाई छटाई हो जाए, गहाई हो जाए तो गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई के बाद जब हम अंतिम जुताई करते तो मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। रोटावेटर करने से पहले जो पकी हुई गोबर की खाद है उसे हम ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास और माध्यम कल्चर मिला करके उसे पूर्ण रूप से हम एक उर्वरक में परिणित करते थे। अच्छी प्रजाति का चुनाव करना चाहिए, जो प्रजातियां आपको बताई गई हैं उसी को आप खेत में लगाने की कोशिश करें। खेत में जो बेड की जो है वो 10 मीटर लंबा होता है, 20 मीटर ऊंचा और बेड से बेड की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। बीज की बुआई करने से पहले जो आपको दवाइयां बताई गई है उससे इसको उपचारित करना चाहिए। पानी का प्रबंधन, आजकल चिया सीड में भी जो है फव्वारा सिंचाई और टपक सिंचाई का चलन धीरे धीरे किसान भाई करने लगे हैं और इसको रेजबेड पद्धति से करें तो ज्यादा फायदा होगा। पानी का प्रबंधन अभी बताया, टपक या मिनी फव्वारा सिंचाई से करें। जब जब भी हम ये सिंचाई पद्धति लगाएं तो घुलनशील जो जल विलय खाद है उनका उपयोग जो है फर्टिगेशन के रूप में करें। जैविक कीटनाशक जैविक खादों का 75% फसल पर उपयोग करना चाहिए। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें और फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से हमेशा ऊपर रखें। बात आती है फसल की पौधरोपण विधि। कतार से कतार की दूरी 30, पौधे से पौधे की 15, बुआई की गहराई 3 सेंटीमीटर, ज्यादा गहरा बीज हमको नहीं बोना है। चिया सीड में सिंचाई व ड्रिप सिंचाई रबी के मौसम में की जाती है और बुआई के तुरंत बाद इसको सिंचाई कर लेना चाहिए। टपक या फव्वारा सिंचाई से करें, ज्यादा पानी की आवश्यकता इसको होती नहीं है। 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, खास करके फूल शुरू होने से पहले, फूल आने के बाद और जब इसके अंदर में बीज जो है वो जब पूरे ईयर हेड में जमने लग जाए उस समय इसको पानी की आवश्यकता, टोटल 2 से 3 सिंचाई इसको दी जाती है। सिंचाई में जो है चिया सीड में जो सिंचाई है पौध वृद्धि और मिट्टी के प्रकार से जो है
घटाई बढ़ाई जा सकती है, जिस प्रकार का मिट्टी सॉइल हेल्थ कार्ड बोला गया उस हिसाब से हम इसका घटाव दौड़ाव जो है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद आती है खरपतवार प्रबंधन, पारंपरिक यांत्रिक और रासायनिक विधि से करते हैं, गहरी जुताई करें, इसको खरपतवार मुक्त रखें। इसके लिए बुआई से पहले फ्लोक्लोरेलिन, जब हम चिया सीड की बुआई कर देते हैं और अंकुरण से पहले हम इसको पेंडामिथालिन जो है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करते हैं, जिससे खरपतवार के ऊपर एक नियंत्रण हो सके। बात करते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जो सफेद लट आता है अगर हम कच्चा गोबर डालते हैं तो सफेद लट की शिकायत आती है और ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है, पूरे जड़ को काट काट के खा जाती है। इसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं, कार्बोफ्यूरॉन क्लोरोपाइरीफॉस क्लोथियाडीन का हम ड्रेंचिंग या छिड़काव कर सकते हैं। कटवर्म जो है ये जो है कटवा इल्ली आती है, इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन क्लोरोपाइरीफॉस क्लोथियाडीन और थायमेथेक्सेम का जो है हम इसमें इसको ड्रेंच या छिड़काव दोनों कर सकते हैं। बात आती है लगने वाले जो रोग हैं, इसमें कोई विशेष बीमारी नहीं आती है, लेकिन एहतियात के तौर पर हम इसको जब ये फूल के पहले जब वृद्धि अवस्था में होती है तब उसमें जो है मैनकोजेब कार्बनडाजीम या जैविक फफूंदनाशक के रूप में हम इसमें बेसिलस सेप्टेलिस और सिडोमोनास फ्लोरोसेंस का एक छिड़काव जरूर करें। बात आती है हमारी पोषण प्रबंधन की, पोषण प्रबंधन में जो जैविक खाद है हमने आपको बताया कि रोटावेटर करने से पहले जैविक खाद दे देना चाहिए, उसके बाद जो रासायनिक खाद उसमें पोटास सिंगल सुपर फास्फेट सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम सल्फेट नीम खली माइकोराइजा, दूसरा पीएसबी भी हम इसमें पीएसबी का छिड़काव हम इसमें कर सकते हैं जो कि ताजे गोबर और पानी के साथ मिला करके 3-4 दिन के बाद उसको अच्छी तरह हिलाने के मिक्स करके छान करके हम पीएसबी का 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कारण जो है बीज जो है वो अच्छी तरह से जमने लगता है। बात आती है हमारी पर्णी छिड़काव की, 19-19-19, 13-40, 13-52-34 पोटेशियम नाइट्रेट पीएसबी केएसबी इन सब का भी हम पर्णी छिड़काव कर सकते हैं। बात आती है हमारी उन्नत सिंचाई तकनीकें, हमेशा हम ये तुलनात्मक अध्ययन किसान भाइयों को बताते रहते हैं, जैसे पानी की बचत होती है कम से कम 70%, समान रूप से सिंचाई होती है, ऊर्जा की बचत होती है, खरपतवार रोगों में कमी आती है, गुणवत्ता उत्पादन आता है, कम श्रम लागत लगती है। ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए है, लेकिन हम इसको जो है जैसे जैसे वाष्पीकरण वगैरह का होता रहता है उसके हिसाब से सिंचाई में बदलाव आने की संभावना हो जाती है। बात आती है हमारी चिया सीड में फसल की आर्थिक समीक्षा, हमने बताया कि भूमि की लागत, बीज की लागत, बुआई की लागत, निंदाई गुड़ाई की लागत, उर्वरक की लागत, विविध गतिविधियां में कुछ नहीं लगता है, कटाई एवं थ्रेसिंग की लागत, परिवहन की लागत मिलाकर के 18,500 रुपए, अगर 10% जोड़ेंगे हम अतिरिक्त कर्ज जोड़ेंगे तो 20,350 रुपए, यदि हम आय देखेंगे इसकी तो 60,000 जो है इसकी मूल्य जो है 12,000 रुपए और 60,000 रुपए और कुल लागत जो है 20,350 रुपए, अगर हम खर्चे में से इसको घटा देंगे तो 39,650 रुपए इसकी शुद्ध आय है। फार्म सिंगो मोबाइल एप्लीकेशन से हम जितने भी हमारे विक्रेतागण हैं, हमारे जिनको वेंडर बोलते हैं, वेंडरों से बोलना चाहेंगे कि किसानों को जो उनसे जुड़े हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड कराने की कोशिश करें, जो प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना है, नहीं तो बार कोड से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर में सारी जानकारी है, फसलों की जानकारी, 70 फसलों की जानकारी है, मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर हम एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर अगली फसल की जानकारी, कौन सी लेना चाहिए कौन सी नहीं लेना चाहिए, उसके बाद व्यक्तिगत सलाह हम देते हैं, उसका आंकलन भी करते हैं, दूसरा हम लोग मंडी भाव अपडेट्स करते रहते हैं और मौसम का पूर्वानुमान भी देते हैं। मैं अपने इस वाणी को यहीं पे विराम दूँ, उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी किसान भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जाकर के सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।